हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी के अनुवादक और प्राध्यापक की परीक्षा 2018 में भाषा विज्ञान के कई प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको लेकर के कैंडिडेट्स में काफ़ी संदेह था, और इसके कारण कई लोग सही जवाब नहीं दे पाए। और यही शायद कारण रहा है कि उसकी मेरिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 170 गई है, बाकी कैटेगरीज के लिए भी उससे कम गई है पेपर वन की। आज के इस सत्र में मैं उस विषय यानी कि भाषा विज्ञान के स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करूंगा। मुझे लगता है कि यह जानकारी एसएससी अनुवादक की परीक्षा देने वाले हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और इसके मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा ताकि आपको याद रहे और परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब दे सकें। उसमें एक प्रश्न था स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन कुछ दिए हुए थे, व्यंजन दिए हुए थे, और उनमें पूछा गया था कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन हैं, और उनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद एक प्रश्न था अल्पप्राण से। अल्पप्राण कुल 20 होते हैं, जितने भी वर्ग हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्गों में से पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वह अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण का मतलब है कि जिस ध्वनि के उच्चारण में कम मेहनत करनी पड़े या आवाज़ कम निकले। प्राण का मतलब होता है वायु, मुंह से कम वायु निकले वे अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हर व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण है। इसके साथ ही अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, यानी कि य, र, ल, व, और एक उच्चिक्त व्यंजन आता है अंग। इन सबको मिलाकर के कुल 20 होते हैं। एक और प्रश्न था जो महाप्राण के बारे में था, तो महाप्राण की संख्या 15 होती है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हर वर्ण का क, च, ट, त, प, इन समस्त वर्गों का दूसरा और चौथा जो वर्ण है यानी कि जो व्यंजन है वह आपका महाप्राण है। इसके साथ एक उच्चिक्त यानी कि ढ, अढ़, ढ, ढक्कन वाला ढ लिखेंगे, उसके नीचे बिंदी जो लगाते हैं ढ, जैसे पढ़ो, गढ़ो, ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग होता है। और उसके साथ उस व्यंजन चारों यानी कि तीन, श, श, स, स और ह, ये चारों आपके महाप्राण में आते हैं। दो प्रश्न थे घोष और अघोष व्यंजन के। घोष व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकले या अधिक हवा निकले वे घोष व्यंजन है। इसी प्रकार अघोष व्यंजन जिसमें कम हवा निकले। घोष व्यंजन हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन है, यानी कि क वर्ग यदि है तो क, ख, ग, घ, अंग, क और ख छोड़ करके बाकी जो तीन हैं वो आपके घोष व्यंजन आते हैं। उसके बाद अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा, यानी कि यदि आप क वर्ग का देखते हैं तो क और ख। इस प्रकार से घोष और अघोष व्यंजन को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने पर उसका उत्तर दे सकते हैं। अघोष व्यंजन में तीनों श भी शामिल है, यानी कि श, स और स। मित्रों, ये व्यंजन का जो पाठ है वो शॉर्टकट मैंने आपको बताया। यदि आप इस शॉर्टकट को याद रखेंगे तो आगामी यानी कि 21 नवंबर को पुनः एसएससी पेपर वन लेने जा रही है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं ऐसे वीडियोस देता रहूँगा और शॉर्टकट ट्रिक देता रहूँगा जिससे आप हिंदी व्याकरण आसानी से हल कर पाएंगे।